लोहे की दो पटरियों के बीच भागती रेलवे हर दिन लाखों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती रेलवे। तभी तो कोविड 19 जैसी बड़ी बाधा का सामना करते हुए भी ईस्ट सेंट्रल रेलवेज ECR ने शुरू किए थे कई नए काम और इसी का लाभ मिलने जा रहा है बिहार वासियों को। प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं बिहार वासियों को एक साथ कई सारी सौगातें। कोसी महासेतु जो करेगा 86 सालों के बाद मिथिला और कोसी क्षेत्र के मिलन को संभव। ये जोड़ेगा निर्मली और सरायगढ़ को। इसकी कुल लागत है 516 करोड़ रुपए। सहरसा से कोसी रेल महासेतु होते हुए आसनपुर कुपहा के बीच ट्रेन सेवा का उद्घाटन। हाजीपुर घोसवर वैशाली नई रेल लाइन। विश्व का प्रथम गणराज्य वैशाली पाएगा स्थान रेल मानचित्र पर और मिलेगा पर्यटन को बढ़ावा। इस्लामपुर नटेसर नई रेल लाइन। रेलवे लाइन गुजरेगी खुदागंज हरसिंगरा और कटारी स्टेशन होकर। गौतम बुद्ध से जुड़े ये पवित्र स्थान आएंगे रेल मानचित्र पर और होंगे बुद्धिस्ट रेल सर्किट में शामिल। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेल मार्ग, कटिहार न्यू जलपाईगुड़ी रेल मार्ग, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का गेटवे है। जयनगर दरभंगा समस्तीपुर, समस्तीपुर खगड़िया रेल मार्ग, शिवनारायणपुर भागलपुर रेल मार्ग। बढ़ेगी रेलगाड़ियों की रफ्तार। करनौती बख्तियारपुर लिंक बाईपास तथा बाढ़ और बख्तियारपुर के बीच तीसरी लाइन। लागत 240 करोड़ रुपए। ये सालाना 10 मिलियन टन कोयले की आवश्यकता वाले NTPC बाढ़ के मेगा पावर प्लांट में कोयले की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करेगी। 150 साल पुराने क्यूल रेल पुल के समानांतर नए क्यूल रेल पुल का निर्माण और इसके यार्ड का अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग द्वारा रीमॉडलिंग। लागत 86 करोड़ रुपए। मौजूदा 150 साल से अधिक पुराने रेल पुल के समानांतर नए रेल पुल का निर्माण। इससे होगा पटना भागलपुर, पटना देवघर, गया भागलपुर रेल मार्गों पर यातायात सुगम। महत्वपूर्ण शहर लखीसराय को मिले नए प्लेटफॉर्म। साथ ही अब 304 रूट के साथ क्यूल लखीसराय यार्ड हुआ अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली से लैस। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड बरौनी, इसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक इंजनों का होगा अनुरक्षण, जिनसे मिलेगी बिहार में चलने वाली ट्रेनों को रफ्तार। बिहार की तस्वीर बदल रही है तेजी से और भारतीय रेल कर रहा है इसमें महत्वपूर्ण योगदान। तभी तो कोविड 19 के मुश्किल समय में देश भर से बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों को इन परियोजनाओं ने दिया रोजगार का अवसर, जिसके कारण ये इतनी जल्दी हो सकी पूरी। इन प्रोजेक्ट्स के कारण खुल रही हैं चहुं ओर विकास की नई राहें और बिहार बढ़ाएगा कदम आत्मनिर्भर भारत की ओर। आज इन सभी परियोजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। साथ ही वे विद्युतीकृत रेल मार्ग पर परिचालन भी करेंगे शुरू।